अगर हम ये देखें कि पीरियड क्या होता है, तो पीरियड सामान्य तौर पर ये एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कि जो बच्चादानी है, जिसे हम यूट्रस भी कहते हैं, उसमें से रक्त और ऊतक वजाइना के द्वारा यानी योनि के द्वारा बाहर निकलता है। ये जो चक्र होता है वो हर एक महीने में आता है, और साथ ही साथ ये लड़कियों को ये अवगत कराता है कि वो संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार हो रही हैं। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है कि पीरियड जैसी एक बड़ी बीमारी सी हो गई है। ये हमारे शरीर का ही एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है, तो इससे कभी भी घबराना नहीं है। जैसे ही लड़कियां किशोर अवस्था में आती हैं तो उनके शरीर में काफ़ी बदलाव देखे जाते हैं, जैसे कि शरीर का वजन का बढ़ना, गुप्त अंगों में बाल का आना, सीने का बड़ा होना, मतलब यानी कि ब्रेस्ट का बड़ा हो जाना, लार्ज हो जाना। देन उसके बाद क्या होता है, आवाज़ में बदलाव आ जाना। ठीक है, तो ये कई ढेर सारे उनमें हार्मोन्स बदलाव दिखते हैं शरीर के अंदर। तो इससे भी आपको इतना परेशान नहीं होना है कि ये सब क्या हो रहा है। ये स्थिति जब आपको जब लड़कियां किशोरावस्था में आती हैं, उनको पीरियड होता है, तब उस दौरान ये सारे चेंजेस उसमें दिखाई देते हैं। तो हर एक माँ और परिवार के जो भी बड़े सदस्य हैं, बड़ी बहन है, इनका कर्तव्य है कि वो अपने छोटे जो भी लड़कियां हैं उनको इस अवस्था में, जब वो किशोर अवस्था में आ जाती हैं, तो उन्हें जो है इस चीज़ के बारे में जानकारी दें, जिससे कि वो पहले से ही उस चक्र के आने से पहले ही वो तैयार रहें, वो उससे घबराएं ना। ये हर एक माँ और परिवार के जो भी बड़े सदस्य हैं, बड़ी बहनें हैं, उनका कर्तव्य है। महामारी के दौरान या मासिक धर्म के दौरान ये भी ध्यान रखना है कि हमें साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना है, कि हमें रोज़ गुनगुने पानी से नहाना है, प्लस हमें जो है जो योनि मार्ग है वहाँ पर भी सफाई रखना है। हर 2 से 3 या 4 से 5 घंटे के बीच में हमको जो है पैड चेंज करते रहना चाहिए। इस दौरान आपको ये देखना है कि हमें कितनी मात्रा में रक्त भाव हो रहा है, उसके हिसाब से आप पैड को जो नैपकिन्स हैं वो आप चेंज कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद जो है आपको जब भी आप पैड चेंज करते हो या टॉयलेट जाते हो, तो पहले भी और बाद में भी आपको हाथों को अच्छे से साबुन से धोना है। ठीक है, योनि मार्ग को आपको जो है साफ़ करने के बाद उस स्थान को, उस प्लेस को, उस एरिया को आपको जो है पूरा क्लीन रखना है, और क्लीन के साथ में आपको वहाँ पर सूखा रखना है। गीला रखने से वहाँ पर आपको इचिंग, खुजली जैसे हो सकती है, और सफाई नहीं रखेंगे तो आगे चलकर आपको ज़्यादा संक्रमण होने की, ज़्यादा बीमारियाँ होने की चांसेस रहेगी, जैसे फफोले आना। ठीक है, वहाँ दाग बन जाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है मासिक धर्म के दौरान। यदि मासिक धर्म के दौरान आप कपड़े आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ध्यान दें कि आपको जो है कपड़ा एकदम क्लीन लेना है, साफ़ सुथरा लेना है, और उसके बाद अगर आप उसे यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करने के बाद उसे अच्छे से साबुन से अच्छे से धोकर और आपको धूप में सुखाना है, जिससे कि जो कीटाणु हैं वो सब धूप में नष्ट हो जाएं। ठीक है, तो कपड़ों का इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान देना है, कोई भी कपड़ा ऐसे उठा के यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपको कई बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि योनि मार्ग के द्वारा अंदर बच्चादानी तक इन्फेक्शन जा सकता है, और आगे चलकर आपको ये समस्या भी आ सकती है कि यूट्रस आपको, मतलब बच्चादानी आपको समय से पहले निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है, ये बच्चादानी पर फैल गया है, तो बहुत सारी समस्याओं का आपको झुलसना। महामारी के दौरान आप कई समस्याओं का फेस करते हैं, कई समस्याओं का
से आप अवगत होते हो, जैसे कि पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना, फिर उसके बाद जी मचलाना, पेट में मतलब अबडोमेन में मतलब पेट के निचले हिस्से में अकड़न होना, मड़ोर होना, फिर साथ ही साथ में आपको कब्ज जैसी शिकायत हो सकती है, ठीक है, और ज़्यादा खाने की इच्छा होना, ठीक है, आपके मूड स्विंग्स होना, मतलब कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ऐसी समस्याएं आपको दिखाई देंगी। बट आपको इन सारी चीज़ों से घबराना नहीं है, ये सामान्य तौर पे हर एक लड़कियों को अलग अलग तरीके से ये समस्याएं होती हैं। महामारी के दौरान आप जितना हो सके पौष्टिक संतुलित आहार लीजिए, और इसमें आप पौष्टिक आहार में जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां आप ले रहे हैं तो वो इसलिए लिया जाता है जैसे कि जो आपके शरीर में जितना खून जो है मासिक धर्म के दौरान बहा है, तो कई लोगों को लौह तत्व की कमी हो जाती है, मतलब आयरन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो खून की कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों को हरे पत्तेदार सब्जियां का सेवन करना होगा, और जिसमें लौह तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है आप उसे ग्रहण करें। महामारी के दौरान कई ऐसी गलत फहमियाँ हैं कि रसोई घर में नहीं जाना है, किसी के साथ नहीं बैठना है, अचार नहीं छूना है, बाल नहीं धोना है, नए कपड़े नहीं पहनना है, किसी धर्म स्थल पर नहीं जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो गलत फहमियाँ हैं वो सब गलत हैं, और ये गलत फहमियाँ आप उनको ना दें, क्योंकि ये मन की हीनता को और तनाव को और ज़्यादा बढ़ा देता है, और जिससे कि उनके अंदर ये दहशत बैठ जाता है हर एक लड़कियों के अंदर कि हाँ मैं अगर ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, तो ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये पीरियड होना एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। आपको मैं एक और जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए आपको ये जैसे कि पीरियड होता है, और साथ ही साथ में अगर मान लीजिए उसके कुछ दौरान बाद, या आपको कभी भी ऐसा होता है कि योनि से सफ़ेद द्रव पदार्थ निकल रहा है, पानी जैसे बहाव हो रहा है, तो आप उसको जो है छुपाइए नहीं, ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, आप इसको मासिक धर्म के समान ना समझिए, इसको जो है अगर आपको ऐसा होता है और उसमें बदबू आ रहा है और ये पानी का बहाव बार बार हो रहा है सफ़ेद पानी का, तो आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं और उनसे संपर्क करें, डॉक्टर से संपर्क करें और उसका उचित इलाज लें। इस बीमारी से आपको घबराना नहीं है, बट आपको ये ध्यान में देना है कि जैसे पीरियड हो रहा है और मान लीजिए अगर आपको सफ़ेद पानी भी बराबर हो रहा है, कई लोग नहीं बताते हैं, वो ये सोचते हैं कि सफ़ेद पानी भी होना मतलब एक पीरियड का ही होना है, मतलब जैसे पीरियड हो रहा है, जैसे मासिक चक्र हो रहा है, वैसे ही ये भी एक चक्र है, तो सफ़ेद पानी का कोई चक्र नहीं होता है, ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को बताइए और उनसे संपर्क करिए और उचित इलाज लीजिए। ये ध्यान में रहे कि डॉक्टर की सलाह के बिना आप अपने आप से कोई भी मेडिकल स्टोर से या कहीं से भी आप दर्द होने पर या कोई और समस्या होने पर आप दवाइयों का सेवन ना करें, जब तक कि आप जो हैं अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क ना किए हों। ये ध्यान रहे कि शरीर में पानी की कमी ना होने दें, आप बराबर मात्रा में पानी का सेवन करें इस दौरान, ठीक है। आपको महामारी के दौरान ये भी ध्यान रखना है कि जो सैनिटरी पैड्स होते हैं वो जो है आपको कहीं पर भी रास्ते में या घर में कहीं पर भी आपको ऐसे ही नहीं डाल देना है, क्योंकि अन्य लोगों को उसका खतरा रहता है, उस इन हर किसी को भी कोई भी बीमारी होने की ज़्यादा चांसेस रहती है, तो आप इसके लिए सही जगह पे उसका निपटान करें, जैसे कि उसको कूड़ेदान पर ही आप अच्छे से अखबार में लपेट कर, जब आपने पैड का यूज़ किया है तो उस पैड को आप जो हैं अच्छे से अखबार में आपको लपेटना है, ठीक है, अखबार में लपेटने के बाद आप उसको अच्छे से कूड़ेदान में ही उसका निपटान करें। साथ ही साथ अगर पहली बार आपको पीरियड आता है, पहली बार आपको स्टार्ट हुआ है ये चक्र, तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसीलिए किशोरावस्था के दौरान परिवार के हर एक सदस्य का कर्तव्य है, चाहे वो माँ हो चाहे वो बड़ी बहन हो, कि आप जो हैं
लड़कियों को शिक्षा दें, इसके बारे में जानकारी दें, जिससे कि जैसे ही जब उन्हें पीरियड आने वाला हो तो वो उस जानकारी से अवगत होने के बाद वो एकदम जागरूक रहें और तैयार रहें। इसीलिए कहा गया है, चुप्पी तोड़ो, स्वस्थ रहो।